खबर, आजमगढ़ बुरनपुर से तहसील क्षेत्र के सरैया रत्नावे गांव में जलसा का आयोजन किया गया। जलसे के मुख्य अतिथि सैयद गुलाम रसूल एवं सैयद गुलाम वलूद रहे। सैयद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी आयोजनों से भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। विशिष्ट अतिथि हाफिज अब्दुल जब्बार ने कहा कि जलसा से हमें अपनी मजहबी कला और परंपरा को कायम रखने की सीख मिलती है। अध्यक्षता मौलाना सैयद गुलाम रसूल साहब शरीफ ने किया। उन्होंने जलसा पर रोशनी डालते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज की रीति रिवाज और परंपराओं को कायम रखने के लिए और अपनी मजहबी तालीम को मजबूत बनाने के लिए जलसे का आयोजन किया जाता है। हमें अपनी राष्ट्र की एकता को कायम रखने का संदेश मिलता है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली सरैया गांव के मौलाना समीम साहब, सगीर अहमद, अनारुद्दीन एहसास, बद्रे आलम, इकलाक करमान अहमद, मालवी रोशन राय, हजरत कैशर आजमी, तरन्नुम हाफिज अनवर आजमी, गुलाम रवानी, अब्दुल हन्नान, कियामुद्दीन, नशीम, सरवरे आलम, गुफरान, जमील अहमद, इसराइल मोहम्मद, अकमल, जावेद जिलानी, सेफियान, समसुलहुदा कैस, रजाक अंसारी आदि ने जलसे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जलसे को सफल बनाया। ग्राम प्रधान हौसला प्रजापति ने जलसे में आए हुए सभी हजरत का शुक्रिया अदा किया। ऐसा आजमी मेरा नाम है, मदरसा अशरफिया सिराजुलूम लिवादा मुबारकपुर का मदरसा। इस जलसे में यहाँ के अंजुमन शहदाए मुस्तफ़ा के ज़िम्मेदारों ने मुझे बहसीत नाज़िम यहाँ बुलाया है। निज़ामत के दरमियान हम जो काम करते हैं, आज पूरी दुनिया में ये मुहिम चलाई जा रही है कि लोगों को आतंकवाद से बचा लिया जाए, ज़ुल्म व ज़ाती से बचा लिया जाए, तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। ये सारे काम जो सरकार हमारी पैसे के बलबूते पे करती है, हुकूमत के जो वसाइल और ज़राए हैं उस पर करती है, हम ये मुसलमान इसको जलसे के तौर पर नहीं करते। हम तो ये अपनी कौम को ये पैगाम देते हैं कि हमें पहचानते हो हमको हिंदुस्तान कहते हैं, हमें पहचानते हो हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। अपनी कौम से ये बताते हैं, हमें पहचानते हो हमको हिंदुस्तान कहते हैं, न जाने क्यों कुछ लोग हमें मेहमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ की भलाई के लिए हम तालीम और तरक्की में गरीब मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम जलसे में वो सारे काम करते हैं। जी, सरैया गांव के लिए सिर्फ यहां के लिए नहीं बल्कि हर जहां के लिए कि आप जलसे में आए हुए हैं तो यहां से कुछ पैगाम लेके जाए, पैगाम तालीम का लेके जाए, पैगाम भलाई का लेके जाए। माँ बाप के मौजू पर अभी तकरीर कर रहे थे अल्लामा क़ारी ज़कीउल्लाह सफ़दुल्लाह ज़ंगीपुरी कि लोग माँ बाप की अहमियत ख़त्म कर दी है। शादी जब तक नहीं होती तब तक माँ को माँ कहते हैं, लेकिन शादी हो जाती है तो माँ बुढ़िया हो जाती है और बाप बुढ़वा हो जाता है। और वही शख्स जब ससुराल शरीफ जाता है तो ससुर महाराज को इतनी ज़ोर से अब्बू जान कह के सलाम करता है कि सारे मोहल्ले के लोग जान जाते हैं कि फ़लाने का दामाद आ गया है। ऐसी सूरत में एक माँ यही कहती है कि लहू के रंग को मेहंदी की बू ने छीन लिया, हुआ जवान जो बेटा बहू ने छीन लिया। तो अपनी तकरीर के हवाले से कौम को ये पैगाम दिया है कि माँ की इज्जत करें, माँ की खिदमत करें, जिसका जो मकाम है उसको उसी मकाम पर रखें। यही पैगाम आज की इनकी तकरीर में था और पूरे जलसे का ये पैगाम ये होता है कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें। अगर अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया में भी अमन शांति आएगी और तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब रहोगे।